लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवाज पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद। एग्जिट पोल पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा एग्जिट पोल से बेहतर होंगे नतीजे, बिहार में जीतेंगे सभी सीटें। हमको नहीं लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो एकदम नतीजे सही हैं। हमको लगता है कि इससे और बेटर ही आएगा रिजल्ट। एग्जिट पोल पर बोले ओपी राजभर, कहा 8 जून को तीसरी बार शपथ लेंगे मोदी, विकास के नाम पर लोगों ने किया वोट, 4 जून को कोई इटली चला जाएगा तो कोई कहीं और भागेगा। उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है, जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए फिर ममता सरकार को घेरा, पोस्ट कर लिखा मतगणना केंद्र से बीजेपी के एजेंटों को डराने धमकाने और गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने की खबरें हैं, टीएमसी हमें रोक नहीं पाएगी। वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला, कहा दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सरकार हुई विफल, खराब मैनेजमेंट के चलते पानी के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार एक मूल कारण है दिल्ली जो आज पानी के लिए तरस रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल जी अपने घोटाले और राजनीति चमकाने में मस्त, दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी के लिए मारामारी, टैंकर के आते ही लोगों की इकट्ठा हुई भीड़, पानी भरते नजर आए लोग। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच पानी की समस्या से लोग परेशान, कई जगहों पर टैंकर्स के इंतजार में बैठे लोग। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी की शपथ के 15 दिन बाद उद्धव बीजेपी के साथ दिखाई देंगे, ये काले पत्थर पर सफेद लकीर। यूपी के मऊ में ईवीएम की सुरक्षा के लिए इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता पहुंचे, 8-8 घंटे की ड्यूटी के साथ कर रहे रखवाली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नालंदा की करें तो यहां जेडीयू नेता की हत्या से सनसनी फैल गई है, चुनाव के दिन बने थे पोलिंग एजेंट, जान से मारने की मिली थी धमकी, परिजनों का आरोप, INDIA की तरफ से दी गई थी धमकी। यूपी के अमरोहा में एनडीए की जीत के लिए रामलीला कमेटी ने किया हवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत की कामना की। पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, नियामा में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल में लिए घर में लगाई आग, लश्कर कमांडर रियाज समेत कई आतंकियों के फंसे होने की खबर। पुलवामा के निहामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तलाशी अभियान के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग, सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एनकाउंटर, पुलवामा पुलिस और सेना ने लश्कर कमांडर रियाज को घेरा, कई आतंकी हमलों में शामिल है आतंकी रियाज। और इस बीच जो